नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों आर्टिकल 19। आज की क्लास में दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम टोटल 4 पार्ट्स पढ़ेंगे इस आर्टिकल के, डी ई एफ एन जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। दोस्तों जो डी एन ई है इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, बाकी जी एंड एफ को अलग अलग पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो हमारा डी पार्ट है, मतलब आर्टिकल 19 का सब क्लॉज डी है, वो हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है दोस्तों। मतलब हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं दोस्तों, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, बट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमें मिल रखा है दोस्तों इस क्लॉज के तहत। मतलब भारत के अंदर ओनली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। मतलब हम लोग घूम सकते हैं भारत के किसी भी कोने में। एंड दोस्तों जो ई पार्ट है ये है दोस्तों रेजिडेंस, मतलब फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस मिल रखा है कि हम लोग भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं। भारत के अंदर एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी हम लोग अपना घर बना सकते हैं, हम लोग वहां पर मकान लेकर रह सकते हैं। इस चीज की फ्रीडम हमें मिली है दोस्तों ई के तहत, एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिला है हमें डी के तहत। दोस्तों जो डी वाला है ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर। एंड अगर आपको भारत से बाहर घूमने का मन है तो वो फ्रीडम हमें आर्टिकल 21 देता है दोस्तों। मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अगर आपको एब्रॉड घूमने जाना है तो आर्टिकल 21 हमें वो फ्रीडम देता है दोस्तों। आर्टिकल 19 हमें जो फ्रीडम देता है घूमने की, वो सिर्फ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, मतलब भारत के अंदर ही अंदर आप घूम सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। एंड ई वाला दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी आप घर खरीद सकते हैं। दोस्तों पहले एक एक्सेप्शन होता था फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। पहले हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में घर वगैरह नहीं खरीद सकते थे, बट अगस्त 2019 के बाद से, जब से आर्टिकल 35A को स्क्रैप किया है, मतलब जब से इस आर्टिकल को रिमूव किया है जो कि स्पेशल स्टेटस देता था वहाँ के रेजिडेंस को कि आप सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही वहाँ पे घर खरीद सकते हैं, ये आर्टिकल कहता था। इस आर्टिकल को हटाने के बाद दोस्तों ये एक्सेप्शन भी हट गया, अब कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकता है। अब दोस्तों इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं आइए समझते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं दोस्तों, पहला है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, एंड दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन दोनों बेसिस पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है हमारे मूवमेंट पे, हमारे रेसिडेंस पे। कैसे? जनरल पब्लिक का मतलब दोस्तों ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कर्फ्यू जो लगाया जाता है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के उसमें लगाया जाता है कि मतलब ज्यादा जनता, मतलब एक तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक का जिस चीज में भला होगा तो हमारी सरकार वही काम करेगी, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आपने सुना होगा फॉर एग्जांपल मुंबई में अगर बहुत भारी बारिश वगैरह होती है तो वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है ताकि लोगों की सुरक्षा रहे, लोग सुरक्षित रहें। मतलब लोगों को एक तरह से लोगों के इंटरेस्ट में कि लोगों को कोई आपत्ति, मतलब लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लोगों का हमेशा भला ही चाहती है हमारी सरकार, इसलिए इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के उसमें ये लोग रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट में। आप लोग जानते हैं जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, आदिवासी जिन्हें हिंदी में कहा जाता है, इनका दोस्तों ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर होता है, ये एक सेपरेट एरिया में रहते हैं किसी स्टेट के, तो इनका बिल्कुल ही रहन सहन हमारे लोगों से अलग होता है। इसलिए सरकार इनके इसी कल्चर को बचाने के लिए कि हम लोग जाके उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय ना कर दें, वो लोग अपना शांति से रह सकें, इसलिए वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हमारे मूवमेंट पे भी एंड हमारे रेजिडेंस पे भी। दोनों के लिए दोस्तों रेस्ट्रिक्शन ही हैं, कॉमन रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए हम लोग इन दोनों क्लॉज को एक साथ पढ़ रहे हैं। देन दोस्तों आता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस इन बेसिस पे भी लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मिलिट्री एरियाज में जाने से हमें रोका जा सकता है, डिप्लोमेटिक एरियाज दोस्तों जो एम्बेसी वगैरह का एरिया होता है वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमें रोका जा सकता है जाने से, फिर नेशनल पार्क वगैरह में भी दोस्तों जाने से रोका जा सकता है, जिसे प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ऐसे जितने भी एरिया वहाँ पे हमें जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों एक तरह से एनिमल्स के लिए वो जगह होती है। मान लो उस जंगल में शेर वगैरह घूम रहा है तो एक तरह से हमारी ही सेफ्टी के लिए हमें वहाँ पे रोका जाता है दोस्तों जाने के लिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। फिर दोस्तों शेड्यूल्ड एरिया सभी हमने पढ़ा एसटीज के लिए, ऐसे ही शेड्यूल्ड एरिया होते हैं हमारे 5th and 6th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके हिसाब से भी हमें रोका जा सकता है। फिर दोस्तों कुछ सीक्रेट एरियाज होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ भी जाने नहीं दिया जाता, मतलब
आप समझ सकते हैं सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए वहां पर हमें जाने से पाबंदी लगाई जाती है। तो दोस्तों ये था डी एंड ई, इसमें क्या था फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, भारत के अंदर हम कहीं भी घूम सकते हैं, एंड दूसरा था दोस्तों रेजिडेंस, मतलब भारत के अंदर हम लोग किसी भी पार्ट में अपना घर बना सकते हैं, घर लेकर रह सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 19 का डी एंड ई पार्ट। अब दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 19 में हमें दे रखा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब हम कहीं भी भारत में घूम सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का ये एक केस है दोस्तों, मैं आपको जो अभी समझाने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। सपोज आप एक रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए नेशनल हाईवे है या कोई भी एक बड़ी सी रोड है, आप यू चल रहे हैं इस रोड पर, उसके बाद आपको सडनली कि कोई रोक देता है और जो रोकता है वो आपसे बोलता है कृपया करके टोल टैक्स भरिए उसके बाद आगे जाइए। बट दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है हमारा, हमें भारत में घूमने से कोई रोक नहीं सकता, ये फ्री है दोस्तों कि मतलब फ्रीली हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बट हम लोग अगर रोड पर चलते हैं तो हमसे टोल टैक्स मांगा जाता है दोस्तों। तो यही बात थी कि किसी व्यक्ति को बुरा लगा, उसने बोला कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का एक तरह से उल्लंघन हो रहा है, तो दोस्तों उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि जज साहब हमारे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कर्टेल किया जा रहा है, उसका वायोलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट को बुलाती है एंड बोलती है भारत सरकार कृपया करके बताइए कि आप हमारी भारत की जनता को घूमने से क्यों रोक रहे हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि जज साहब हम लोग तो सिर्फ इसलिए पैसे लेते हैं, मतलब इसलिए टोल टैक्स इकट्ठा करते हैं ताकि ये जो रोड है इसको हम अच्छा बना सकें, सेफ्टी के इसमें सेफ्टी रहे ताकि प्लेन रोड रहे, स्मूथ रोड रहे, लोग जल्दी से जल्दी ट्रैवल कर सकें अपने वहाँ पर, बिल्कुल एक तरह से अच्छी फैसिलिटीज़ देने के लिए ही उस रोड के डेवलपमेंट के लिए हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। बट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमें हमारा मतलब हमें हमारे संविधान में मिला है एंड ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि भारत सरकार कृपया करके आप लोग ऐसे टैक्स मत लगाइए। अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो मान लीजिए आपको ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाना है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये बोलती है अगर इसका एक ही रूट है, ए से बी जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रूट है, तो प्लीज इसको फ्री रखिए, मतलब इसमें कोई भी चार्ज मत करिए, हमारी जो भारत की जनता है वो इस रोड पे फ्रीली घूम सके, इस पे चार्ज इस रोड पे चलने का कोई भी चार्ज मत लीजिए, मतलब कोई टैक्स मत लीजिए। अगर ए से बी जाने पे दोस्तों दो रास्ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक को आप अपना फ्री रखिए एंड दूसरे पे आप अपना टैक्स ले सकते हैं, दूसरे को आप अपना टैक्स लेके उसका डेवलपमेंट करिए, उस रोड को सेफ करिए, मतलब जो सेफली बनाइए, स्मूथ रोड बनाइए, जिसको जल्दी जाना हो वो इस रोड से जाए, जिसको अगर कम वैसी रोड नहीं पसंद फ्री में जाना है तो फिर वो अपना दूसरा रास्ता चुन सके, बट इस आर्टिकल का वायोलेशन ना करें, कृपया करके रोड को फ्री कर दिया जाए दोस्तों। इसलिए टोल टैक्स आज भारत में सिर्फ उसी रोड पर हैं जहां पे दो रूट होते हैं, मतलब ए से बी जाने के दो रास्ते होंगे, सिर्फ उसी रूट पे, सिर्फ उसी रोड पे एंड उसी रूट पे हमसे टैक्स लिया जाता है। अगर एक ही रूट है किसी रास्ते का, मतलब अगर आपको ए से बी जाना है तो अगर एक ही रोड है तो वहां पर हमारी भारत सरकार हमसे टैक्स नहीं वसूल सकती। एंड दोस्तों इसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बैलेंस किया चीजों को, कैसे कि उन्होंने सरकार की भी बात मानी एंड जो पिटीशन फाइल की गई थी वायोलेशन की उसकी भी बात मानी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं इस बात को कि उन्होंने सरकार का भी पक्ष रखा कि अगर दो रोड हैं तो एक पे आप टैक्स रख लीजिए, दूसरे को फ्री रखिए, एंड अगर एक ही रोड है तो उसको फ्री रखिए। तो दोस्तों मतलब हमारे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का यहाँ पे वायोलेशन रोक दिया कि एक रोड पे टैक्स लगाइए, दूसरे पे फ्री रखिए। अब ये जनता की मर्जी है, अगर उनको जल्दी जाना है, सेफर रोड पे जाना है तो वो टैक्स देकर जाएं, अगर उनको अपने इस मूवमेंट मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अगर उनको ऐसे फ्रीली घूमना है तो वो दूसरी रोड से जाएं अगर उनके पैसे वगैरह नहीं है। तो दोस्तों ये थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एंड इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस किया दोनों चीज़ों को दोस्तों, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, कि उन्होंने हमारे इस राइट को वायोलेट होने से बचाया। इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ
हमारे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, हमारे संविधान का रखवाला एक तरह से सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। अगर सरकार कोई भी काम संविधान के खिलाफ करती है तो सरकार को रोकने का काम हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है दोस्तों। देन दोस्तों अगला आर्टिकल है एफ, मतलब 19(1) सब क्लॉज एफ। इसमें दोस्तों क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी था, मतलब मैं बोल रहा हूँ था, क्यों, क्योंकि इसको 1978 में हटा दिया गया है दोस्तों। पहले क्या होता था कि प्रॉपर्टी आपका एक मौलिक अधिकार था, आप प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो, अपने पास संभाल के रख सकते हो या फिर उसको बेच सकते हो, दैट इज टू एक्वायर होल्ड और डिस्पोज प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये था हमारा फंडामेंटल राइट, बट 1978 में बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इस राइट को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया दोस्तों, एंड इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसको एन आर्टिकल 31 है हमारे 31 था जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको एक तरह से हटाकर आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया। अब वो हमारा लीगल राइट है, मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, फंडामेंटल राइट को हमारी जो गवर्नमेंट है ये वायोलेट नहीं कर सकती, बट अब जो उसको लीगल राइट बना दिया तो उस केस में दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए, पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था, बट 1978 के बाद से ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा। एंड दोस्तों नेक्स्ट है हमारा 19(1) सब क्लॉज जी, ये जो मैंने लिखा है स्मॉल जी। तो ये अभी ये दोस्तों हमने टोटल 7 पढ़ लिए इसको मिला के, अगर ये हम हटा दें राइट टू प्रॉपर्टी हटा दें तो 19 के अंदर हमें अभी हमें करंट पोजीशन पे हमें 6 राइट्स मिलते हैं दोस्तों। तो 19(1)(g) दोस्तों क्या कहता है, राइट टू प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, मतलब आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी नौकरी कर सकते हैं, ये फ्रीडम दे रखी है हमें इस आर्टिकल ने। हमारे पास दोस्तों फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है, आप कोई भी ट्रेड करिए, कोई भी नौकरी करिए, मतलब कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ एक पाबंदी है दोस्तों, वो ये है कि आप ऐसा काम ना करें जो कि इमोरल हो, इलीगल हो। फॉर एग्जांपल बिजनेस आपका बहुत ही गलत हो, फॉर एग्जांपल आप बंदूक वगैरह बेच रहे हैं, गन्स वगैरह, या फिर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, मतलब एक तरह से लोगों को उठा के ही बेच दे रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं, या फीमेल्स को बेच रहे हैं, या आपने सुना होगा फीमेल वुमेन ट्रैफिकिंग एंड ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चलता है। तो इन चीज़ों को अलाउड नहीं कर रखा इस आर्टिकल ने। बाकी आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन कर सकते हैं जो मॉरल हो, जो एक तरह से लीगल हो। एंड दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारी स्टेट होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, ये मोनोपोलाइजेशन कर सकती है किसी भी ऑक्यूपेशन का, मतलब ये हमें रोक सकती है एक तरह से कि इस बिजनेस को सिर्फ भारत सरकार करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, मान लीजिए कल को भारत सरकार ने सोचा कि अगर पैरासीटामोल हमें बेचना है, प्राइवेट कंपनीज बहुत महंगा बेच रही हैं, वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, मनमानी किए जा रहे हैं, तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा फिर गवर्नमेंट बोलेगी प्राइवेट वालों को कि आप रुक जाइए, अब पैरासीटामोल सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार बनाएगी, ये अधिकार हम आपसे छीनते हैं। उन्होंने दोस्तों क्या किया, मोनोपोली एक तरह से क्रिएट कर ली कि स्टेट गवर्नमेंट के अलावा या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा उस बिजनेस को कोई और प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता। ये भी दोस्तों हमें आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज जी में दे रखा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा ये आर्टिकल बिल्कुल फिनिश हो गया। ये मैंने बहुत डिटेल में दोस्तों इस आर्टिकल को डिस्कस किया, 3 क्लास इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए। एंड हमारे जो देश में कितने भी एग्ज़ाम्स होते हों, चाहे UPSC हो, चाहे SSC हो, रेलवेज हो, हर एक एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने इतना डिटेल में इस आर्टिकल को करा दिया है। इसी को नहीं दोस्तों, मैंने जो पिछले आर्टिकल्स भी कराए हैं वो भी सब इतनी डिटेल में कराए हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप इन्हीं क्लास से कर लेंगे सॉल्व, मतलब आपको कुछ और पढ़ने की एक तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।